पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो है वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया, हमारा इत्मीनान है। हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ, हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत ने भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिस्त में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो आई जी पंजाब साहब है जिन्होंने अपना पर्सनल डेटा सेटल किया है। बराए मेहरबानी आई जी पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जौन सा है वो लिया जाए। और बराए मेहरबानी जौन सा है, हम फिर कहते हैं हम किसी को चार्जशीट नहीं करना चाहते, ना इमरान रियाज खान का, ना उसके वालिद का, ना उसकी फैमिली का, पाकिस्तान के किसी रियासती दिफाई हुकूमती इदारे से ज़ाती रंजिश या ज़ाती अनाद ना है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इमरान रियाज खान के अगवा के मुकदमे में उसके वालिद की तरफ से उसका बयान करा के हकाई की रोशनी में जौन सा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रिमिनल साइड पर प्रोसिक्यूट करेंगे या किसी को सजा दिलवाएंगे। हम इस मुद्दे को, इस मसले को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूँ, आप सब गवाह हैं कि जो FIR इमरान रियाज खान के अगवा की दर्ज की गई है, दैट वॉज बींग रजिस्टर्ड इन द स्पिरिट, अंडर द स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। अदालत की कार्रवाई की जो स्पिरिट थी और अंडरस्टैंडिंग थी उसमें चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर आईजी साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात लिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो हैं वो CCTV फुटेजेस को सीज़ किया, हमने मजीद जो है जियो फेंसिंग किया, इसको आईजी साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर FIR दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो FIR का मकसद किसी को सजा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज़ नहीं है, इमरान की सिर्फ मजीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीक़ेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है, हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी सलामती, उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके वालदैन के लिए, इस माशरे के लिए, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग संजीदा नहीं है, रंजीदा हैं, लोग रो रहे हैं, उसके वालदैन, उसकी फैमिली जो है उसको देखें। और ये इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया में पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद जो है वो मुझे बता दे कि जो पैदा हुआ है, जो जिसको अगवा कर लिया हो तो उसके घर वाले जो है वो ढोल बजाएँ या उसके घर वाले जो है वो खुश हों। ये कुदरती अमल है कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खावंद और किसी का बाप जब खुदा न खास्ता जो सा है अगवा होगा तो उनके घर में सफ़ा मातम होगा। पाकिस्तान में तो हमने वो लोग जिन पे छोटे छोटे केसेस बनते हैं उनको भी जो सा है सियासी सियासतदानों को ऊंची ऊंची रोते देखा है, अदालतों में रोते देखा है। तो यार भाई ये तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिपीटेड टाइम्स में फॉर द थर्ड टाइम जो सा है हमारे ऑनरेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे पर्सनली जो सा है उसकी फैमिली की तरफ से जो सा अपील कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी काइंडली अपना रोल जो सा प्ले करें। आपको अल्लाह ताला ने इंतहाई अच्छी और इंतहाई बड़े अहदे पर, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आप उनको इंतहाई बड़ी जो सा इज्जत और रुतबे की जगह पे दिया, उनका इख्तियार उनके वसाइल लामहदूद है, अदालत के ऑर्डर का मसला है। बराए मेहरबानी अपना पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी अदालत और आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अदालत का हुक्म पर अमल दरामद कराएं और इमरान रियाज खान को बाज़ियाब कराने में अपना ज़ाती किरदार अदा करें। थैंक यू।